15 अक्टूबर 2016 का वो दिन बहुत कम लोगों को याद होगा, जब न्यूजर्सी में डोनाल्ड ट्रंप ने जनता को संबोधित करते हुए कहा था कि अगर वह जीतकर आते हैं तो भारत उनका सबसे अच्छा दोस्त होगा। उन्होंने कहा था, हम हिंदुओं को प्यार करते हैं और वह अमेरिका में रहने वाले अन्य अमेरिकियों की तरह ही इस मुल्क को प्यार करते हैं। पर यह डोनाल्ड ट्रंप का केवल भाषण मात्र नहीं था, अपने पौने चार साल के कार्यकाल में उन्होंने पहले दिन से ऐसा करके दिखाया है। बराक ओबामा भारत के साथ अपने संबंधों को जहां छोड़कर गए थे, डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें इतिहास के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा दिया है। भारत अमेरिका के बीच कुछ विवाद भी सामने आए, जिनमें S-400 की रूस से भारत की डील, व्यापारिक मतभेद जैसे कई मामले। पर डोनाल्ड ट्रंप और भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐसी केमिस्ट्री बनी कि हर मुद्दा पीछे छूटता चला गया। अमेरिका ने भारत और रूस की दोस्ती के बावजूद कभी खुद को एसएज महसूस नहीं किया, बल्कि भारत को ईरान पर लगे प्रतिबंधों के बाद भी 6 महीने की तेल खरीदने की अतिरिक्त छूट प्रदान की। इससे पहले अमेरिका का ऐसा दोस्ताना व्यवहार कम ही रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और जॉर्ज बुश के दौर में भी यह संबंध इस कदर प्रगाढ़ नहीं हुए थे। हिजबुल मुजाहिदीन से लेकर हाफिज सईद को वैश्विक आतंकवादी घोषित कराने में अमेरिका भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा। जून 2017 में जब भारत और चीन डोकलाम मामले में आमने सामने थे, तब भी अमेरिका भारत के साथ खड़ा था। पर मामला अब उससे भी आगे बढ़ चुका है। ट्रंप की इच्छा है कि एशिया का मुखिया चीन नहीं भारत होना चाहिए। इसकी वजह भी है, चीन साम्यवाद की पैदाइश है, जबकि भारत एक लोकतांत्रिक देश जहां जनता का शासन है। बड़ी बात यह है कि भारत विस्तारवादी नीतियों का मुखर विरोधी है। भारत ने अपने पड़ोसी देशों की सीमाओं में कभी भी बदलाव करने का प्रयास नहीं किया, जबकि चीन ठीक इसके उलट है। चीन 1980 से पहले एक गिड़गिड़ाता हुआ मुल्क था, लेकिन उसके बाद जैसे ही उसने अपने बाजारों को विदेशी निवेशकों हेतु खोला और जमीन अधिग्रहण में अपनी कठोर नीतियां लागू की, उसकी विकास गति के साथ सुर भी बदल गए। कल ट्रंप द्वारा चीन को सबसे बड़ा खतरा बताने की यह एक बड़ी वजह है। लेकिन आज मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला करके सबसे पहले चीन के चेहरे पर ही चिंता ला दी है। मोदी सरकार ने कॉरपोरेट टैक्स को 30% से घटाकर 22% कर दिया है। वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो यह टैक्स औसतन 23.5% रहता है, जिसके बाद अब भारत भी इसके करीब आकर खड़ा हो गया है। इस टैक्स के कम होने से अब चीन की तरफ आकर्षित हो रही कंपनियां भारत की तरफ डाइवर्ट हो जाएगी। यह ठीक वही रणनीति है कि कुछ नहीं मिलने से कहीं बेहतर है कि कुछ तो मिल रहा है। नरेंद्र मोदी ने यह एक बड़ा दांव चला है। इस दांव से मोदी ने अमेरिका को अपना इरादा भी जाहिर कर दिया है। दरअसल अमेरिकी कंपनियां भारत आने के लिए उत्सुक तो थी, लेकिन एशिया में खासतौर से भारत में कॉरपोरेट टैक्स अधिक होने के कारण वे अपने कदम वापस खींच लेती थी। इसी कॉरपोरेट टैक्स की वजह से अमेरिका चीन को ज्यादा तरजीह दे रहा था। गौरतलब है कि अमेरिका की कई कंपनियां चीन से उठकर भारत में स्थापित होने की इच्छुक है। अब जिस तरह अमेरिका ने मोदी के लिए रेड कॉरपोरेट बिछाया है, मोदी ने अमेरिकी कंपनियों का भी कॉरपोरेट टैक्स घटाकर उनका स्वागत किया है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि अमेरिकी कंपनियां चीन से निकलकर भारत में स्थापित होना चाहती है, लेकिन वह कॉरपोरेट टैक्स की वजह से हिचक रही है। अब इसका असर यह होगा कि कॉरपोरेट टैक्स में कटौती के बाद दुनिया भर की कंपनियों का रुख चीन से हटकर भारत की तरफ हो जाएगा। दरअसल कॉरपोरेट टैक्स प्राइवेट लिमिटेड लिस्टेड व अनलिस्टेड सभी तरह की कंपनियों पर लगाया जाता है। कॉरपोरेट टैक्स सरकार के हर साल के रेवेन्यू का एक अहम जरिया होता है। मोदी सरकार द्वारा कॉरपोरेट टैक्स घटाने से कंपनियों पर टैक्स का बोझ कम हो जाएगा। इससे कंपनियों के मुनाफे में बढ़ोतरी भी होगी, जबकि सरकार ने जो 6% टैक्स कम किया है, उससे देश में बहुत सी कंपनियां स्थापित होगी, जिससे सरकार के खजाने को पहले से कहीं ज्यादा रेवेन्यू मिलने के आसार हैं। यानी मोदी ने अमेरिका को गिफ्ट दे दिया है, अब ट्रंप की भारत को गिफ्ट देने की बारी है। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।